नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण सूचना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, नेट एग्जाम अब होने वाला है पेपर बेस्ड ओएमआर वाले तरीके से, यानी अब कंप्यूटर को टाटा बाय बाय और वापस पेपर पेंसिल ओएमआर शीट वाला तरीका इस्तेमाल होने वाला है। क्यों कह रहा हूं दोस्तों, मैं मेरी नजर पड़ी यूजीसी नेट जून 2024 के होने वाले एग्जाम पर, तो मैंने क्या पाया कि इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि नेट एग्जाम 3 डिफरेंट एबिलिटीज के लिए होगा, जो आपको पता है जेआरएफ, नेट और पीएचडी एंट्रेंस। और एक और जो मजे की बात हमें यहां पर दोस्तों देखने को मिली, वह ये देखने को मिली कि इस बार नेट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ओएमआर बेस्ड मेथड से ही देखने को मिलेगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वाले तरीके को हटा दिया गया है। जी हां, इस तरीके के कई सारे हम कह सकते हैं नुकसान थे, जिनको देखते हुए मुझे लगता है कि इस फैसले को लिया गया होगा। क्या क्या नुकसान थे दोस्तों, सबसे पहली जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं, स्पेशली लाइफ साइंस के ही देख लो, क्वेश्चन को स्क्रॉल करना पड़ता था, फिर चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ते थे, फिर उसके बेसिस पर आपको इन्फेरेंस और कंक्लूजन निकालना पड़ता था, जिसमें काफी ज्यादा समय वेस्ट होता था। दूसरी जो बड़ी समस्या दोस्तों, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, अगला क्वेश्चन क्या है हम पता नहीं कर सकते थे, इसलिए पूरे सारे क्वेश्चन को एक एक कर स्क्रॉल करना पड़ता था, दिमाग में ध्यान रखना पड़ता था कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर है, अपने सब्जेक्ट के एरिया के क्वेश्चंस को ढूंढने में काफी दिक्कत होती थी। और दोस्तों तीसरी बड़ी समस्या, कंप्यूटर सही वक्त पर दे जाता था धोखा, अचानक हो जाता था बंद, कभी माउस सही ढंग से नहीं चलता था, कई सारी कंप्यूटर रिलेटेड समस्याएं भी उत्पन्न हुई थी आने वाले जो पिछले 2-3 एग्जाम्स के अंदर। और चौथी मेजर समस्या, कनेक्टिविटी इश्यूज, कई बार बीच में इंटरनेट गायब हो जाता था, टाइमर चलना बंद हो जाता था, जो सेंट्रल सर्वर है वहां से कनेक्टिविटी इश्यूज देखने को मिलते थे। तो ये सारी समस्याएं अब लगता है कि देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों पेपर बेस्ड एग्जाम के कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। पहली बात तो ये वह फॉर्मेट है जिसको आपने बचपन से आज तक फॉलो किया है, फैमिलियर फॉर्मेट। दूसरा, आपको स्क्रीन पर ज्यादा नजरें गड़ाकर नहीं रखनी है, स्क्रीन पर ज्यादा नजरें लगाकर रखते हैं तो थकान जल्दी होती है, जबकि पेपर बेस्ड एग्जाम के अंदर आप ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, पन्नों को फटाफट पलट कर आप पता कर सकते हैं कि आपके फेवरेट एरिया के क्वेश्चंस कहां पर मौजूद है, डायग्राम देखते ही पहचान में आ जाता है ये रहा मेरा क्वेश्चन। दूसरा, आपको हाथ से जो पेपर पर टिक करने का मजा आता है वो कभी भी ऑनलाइन कंप्यूटर के टिक में नहीं था, आप आराम से टिक कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके फेवरेबल है, जो यहां पर आप 100% श्योर है, स्टार लगा सकते हैं जिसमें थोड़ा डाउट है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं जहां पर आप करेंगे या नहीं करेंगे आपको नहीं पता। तो कई सारे फायदे हैं जिसको आप बहुत कम समय में क्वेश्चंस की स्क्रीनिंग कर पाएंगे। चौथा, हमेशा एक मन में शंका बनी रहती थी कि कहीं ऑनलाइन तरीके में डिजिटल चीटिंग तो नहीं हो रही है, हालांकि ऐसा कोई केस सुनने को नहीं मिला, लेकिन मन में एक शंका, एक डर हमेशा बना रहता था। अब उसकी समस्या भी काफी हद तक नहीं होगी, वह जो शंका थी वह भी किसी के मन में नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो पेपर है, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सबके सामने बैठकर एग्जाम को दे रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूजीसी नेट में ये फैसला लागू कर लिया गया है, और सेम एनटीए क्योंकि सीएसआर का एग्जाम भी कंडक्ट करा रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं 7-10 दिन के अंदर जो नोटिफिकेशन आ रहा है उस नोटिफिकेशन के अंदर, सीएसआर के अंदर भी इसी चीज को फॉलो किया जाएगा, जहां पर क्वेश्चंस तो दोस्तों अभी भी एक ही पेपर में पार्ट ए में 20 होने वाले हैं, पार्ट बी के अंदर 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और पार्ट सी के अंदर 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। पार्ट ए के अंदर 20 में से वही 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बी के अंदर 35 क्वेश्चन और पार्ट सी में किस 75 में से कोई 25 क्वेश्चन, लेकिन करने पड़ेंगे हमें ओएमआर शीट पर। और ओएमआर शीट कितनी फैमिलियर होती है, कितनी आसानी होती है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता दोस्तों।
दोस्तों अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईएफएस के साथ, तो आज 22 अप्रैल से ही नया बैच स्टार्ट हुआ है जो टारगेट कर रहा है दिसंबर 2024 को। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं जून बैच के लिए, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं, कम समय में एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं या आप टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। तो यही था दोस्तों मेरी तरफ से और मेरी कंप्लीट टीम की तरफ से आपको पहले से ही एग्जाम की बेस्ट ऑफ विशेस। लेकिन नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा और पेपर बेस्ड तरीके से अभी से टेस्ट देने की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। जाते जाते बता दूं दोस्तों कि वर्ल्ड जो बुक डे है उसके ऊपर, बुक्स के ऊपर, आईएफएस की बुक्स के ऊपर 70% ऑफ चल रहा है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं पर सीमित समय तक। दोस्तों ये था मेरी तरफ से। सो हाँ, पर जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की काम की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।